हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन द गिवन ग्राफ शोस द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट। विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ डिस्प्लेसमेंट। ओके देखो ये गिवन ग्राफ है जो कि है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और हमको बताना है कि एक्सलेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा होगा एक्सलेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा होगा ओके ठीक है बच्चे ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे की कंसेप्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है तो देखो की कंसेप्ट तो बहुत ईजी है हमको बस ग्राफिक ग्राफ देखने को मिल रहा है यानी कि है ग्राफ्स ऑफ मोशन ग्राफ्स ऑफ मोशन ठीक है देखो जनरली क्या होता है हम एफ टी ग्राफ बनाते हैं यानी पोजिशन टाइम ग्राफ बनाते हैं हम वी टी ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं और हम ए टी ग्राफ बनाते हैं ठीक है फॉर यूनिफॉर्म मोशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सरेटेड मोशन और मोशन ग्रेविटी तो कुछ ग्राफ हमको याद होते हैं कि ऐसा ऐसा बनाना होता है हमको लेकिन यहां पर देखो क्या गीवन है क्वेश्चन वापस आइए क्वेश्चन में जो ग्राफ गीवन है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ठीक है और फिर इस ग्राफ के हेल्प से हमको बताना है कि ये जो ग्राफ जिस भी मोशन का है उस मोशन के लिए एक्सरेसन वर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा चलिए ठीक है तो सबसे पहले तो हम आते हैं ठीक है कि जो भी यहां पर वी एक्स किताब गीवन है जो भी ग्राफ यहां पर गीवन है तो देखो अगर हम एक्सन की बात करें तो वी ऑल नो डेट की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकिन यहां पर जो ग्राफ गीवन है ना बच्चे वहां पर टाइम तो है नहीं वहां पर तो दो वेरिएबल है एक वी है और एक एक्स है एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं डीवी बाई डी कर दिया ओके और डीएक्स बाई डीटी कर दिया तो एक्वल टू क्या मिल गया आपको एक्वल टू मिल गया वी डीवी वी बाई डी एक्स एज टू क्या मिल गया बच्चे एक्वल टू मिल गया डीवी बाई डी तो अब यहां पर वी ऑल नो डैट

लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये ग्रेडियंट को शो करता है यह स्लोप को शो करता है <coughs> तो यहां पे डी डी एक्स चीज को शो कर रहा है स्लोप को यानी यहां पे जो ए आ जाएगा वो वी टाइम्स है वी टाइम्स स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट कौन सा ग्राफ इन वी एक्स इन वी एक्स ग्राफ

और स्ट्रेट लाइन का हम सब जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस है लेकिन यहाँ पे स्लोप जो है नेगेटिव है स्लोप तो नेगेटिव है ना बच्चे तो ये जो गिवन ग्राफ है उसके लिए क्या बनेगा उसके लिए वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एंड दिस इज एक्स ओके ये हमारा एम है और प्लस वी नॉट बिल्कुल सही ये है इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी बिल्कुल ये इसी इसी लाइन को सो कर रहा है देखो ये जो होगा नेगेटिव नेगेटिव स्लोप स्लोप है और इंटरसेप्ट यही होता है यहां तो यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इंटरसेप्ट है तो वी एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट मिल गया और स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकालोगे हो स्लोप होता है डीवी बाई डी एक्स जो कि आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट अरे भाई एम ही तो स्लोप है एम ही तो ग्रेडियंट है तो अब देखिए यहां पर <coughs> वी नॉट बाई एक्स नॉट जो कि कांस्टेंट है तो ये जो स्लोप है दिस स्लोप इज कांस्टेंट कांस्टेंट एज वीएक्स ग्राफ इज वॉट वी एक्स ग्राफ इज्रेट स्ट्रेट लाइन तो यहां से हमारा जो ए मिलेगा देखो ए तो हमने मिल मिला है डीवी वाई डी एक्स अब हमको डी वाई डी एक्स की वैल्यू भी मालूम चल गई है कि डीवी वाई डी एक्स इतना होगा तो ए कितना आ गया एज टू आ गया v पहले से है माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट चलिए आगे चलते हैं यहां पे हम v की वैल्यू रख सकते हैं v की वैल्यू हमारे पास देखिए पर है यह है v की वैल्यू ये देखो ये की वैल्यू तो v की वैल्यू हम रख देते हैं जो कि है माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट और यहां पे x का इंटू भी हो रहा है प्लस वी नॉट ये की वैल्यू है और साथ में ये जो पहले से माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट है जो दिख रहा है आपको यहाँ पर यहाँ पर उसका इंटू भी तो है चलिए तो अच्छा और सिम्प्लीफाई करें तो ये ए जो बनेगा दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स ना तो आप ए ऑफ एक्स लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स है तो इंटू मेरे को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वी नॉट का स्क्वायर आ गया और ये एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया और ये एक्स पहले से है ये माइनस हो गया ये वी नॉट का स्क्वायर हो गया ये एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया और ये आ गया एक्स नहीं नहीं यहाँ पर एक्स नहीं है बच्चे देख लो चलिए ठीक है तो अब इसको आप देखोगे तो ये भी एक स्टेट लाइन का ही इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी यानी कि एक ऐसा स्टेट लाइन जिसका ग्रेडियंट प्लस है यानी जिसका स्लोप प्लस है, है और इंटरसेप्ट माइनस है इंटरसेप्ट माइनस है बच्चे ठीक है तो इसको रिजल्ट को लिखते हैं कि ए एक्स ग्राफ जो होगा एक्स ग्राफ इज अ इज अ स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइन विथ विथ स्लोप कितना है बच्चे विथ अ स्लोप वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर एंड इंटरसेप्ट कितना है देखो इंटरसेप्ट कितना है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑन वाई एक्सिस कितना है बच्चे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है इक्वल 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 टू 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 माइनस वी नॉट नॉट का स्क्वायर एक्स तो आइए अब देखते हैं कि कौन सा ग्राफ है जो हमारे इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा यानी स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव ओके इतना और इंटरसेप्ट होना चाहिए नेगेटिव तो आप ग्राफ पे आ जाइए देखो यहां पर हम एक एक करके चेक करेंगे और यहां पर तो देखो याद स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन इंटरनेट पॉजिटिव आंसर नहीं होगा ये तो फ्लैट है देखो ये तो यहाँ तो स्लोप है ही नहीं स्लोप जीरो है और यहां पर देख लो न, यहां पर इंटरनेट तो नेगेटिव है ठीक है नहीं नहीं ये तो देखो अगर हम बात करें तो ये हमारा आंसर तो हो ही नहीं सकता ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखो स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि बढ़ रहा है ना एक्सरसन बढ़ रहा है ठीक है नेगेटिव लेकिन बढ़ रहा है तो हमारा आंसर ए, हो जाएगा ए क्यों हो गया फेस होनी नेगेटिव है हाँ जी है स्लो पॉजिटिव है हाँ जी है तो ये तो हमारा आंसर है सो द सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन